हे फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ्रेंड्स बोलूंगी आपको गाइस नहीं बोलूंगी सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाइव अमेजिंग नेल आर्ट्स सो यहाँ पर अगर आपके नेल्स प्रो नहीं है सो वेरी नॉट आप आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ कर सकते हो मैंने भी आर्टिफिशियल नेल्स यूज़ किए हैं सो ये मेरे नेल्स का छोटा सा पैकेट है ये इजीली मार्केट में आपको मिल जाएगा और इस पैकेट में आपको मिलती है ग्लू और ट्वेल्व पीसीज ऑफ नेल्स सो या फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे सारे शेड्स नेल शेड्स जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किए हैं ये सारे शेड्स मैंने यूज़ किए हैं एंड यहाँ पर मैंने आर्टिफिशियल नेल्स को ग्लू की हेल्प से नहीं लगाया बिकॉज़ ग्लू से हमारे नेल्स ख़राब होंगे सो so, यहाँ पर मैंने ग्लू यूज़ नहीं किया नेल्स को लगाने में सो so, यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे सो so, फर्स्टली तो मैं आपको दिखा मैंने एक नेल ऑलरेडी यहाँ पर लगा लिया है और यहाँ पर मैं ये नेल्स ऐसे लगाऊँगी आपको मैंने अपने साइज के अकॉर्डिंग सेट की हुए हैं है ये नेल्स तो आपको मैं एक बार रफली बता देती हूँ कि मैं कैसे लगाने वाली हूँ देन मैं आपको पेस्ट करके बताऊँगी सो इसके लिए आपको ग्लू की बिल्कुल नींद नहीं है एंड विदाउट ग्लू भी ये बहुत अच्छे से पेस्ट होंगे और हमारे नेल्स ख़राब भी नहीं होंगे सो so गाइज़ इस वीडियो में मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी आर्टिफिशियल uh, नील्स की हम लगा कर नील पेंट लगा कर इनको हटा कर रख सकते हैं एंड कहीं हमें पार्टी में जाना हो सो हम ईजिली पेस्ट कर सकते हैं सो so, अब यहाँ पर मैंने ली है ट्रांसपेरेंट नील पेंट और मैं यहाँ पर नील पेंट लगा रही हूँ अपनी रिंग फिंगर पर आ, के नेल पर एंड यहाँ पर अब मैं इस वेट नेल पेंट पर ही नेल पेस्ट कर दूँगी अच्छे से तो नेल पेंट सॉरी नेल जो है हमारा अच्छे से पेस्ट हो जाएगा वेट नेल पेंट पर सो so, अगर नेल पेंट ड्राई होगी तो आप दोबारा नेल पेंट लगा कर उस पर ही लगा सकते हैं सो so, इसके लिए हमें ग्लू की बिल्कुल नींद नहीं होगी सो so, ट्रांसपेरेंट में हमें पता नहीं चलेगा कोई भी कलर और जो आप मेरे लिटिल फिंगर पर देख सकते फिंगर पर देख सकते हो कि ये रेड कलर शो हो, हो रहा है पिंकिश कलर शो हो रहा है सो ये इसलिए हो रहा है कि मैंने पिंक कलर लगाया था सो फ्रेंड्स फॉलो द सेम स्टेप फॉर पेस्टिंग नेल्स ऑन ऑल द फिंगर्स फ्रेंड्स अब मैंने अपने सारे नेल्स अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं एंड अब मैं आपको फर्स्ट नेल आर्ट के लिए हमें चाहिए रेड ग्रीन एंड ब्लैक नेल शेड्स जो मैंने आपको दिखा दिए हैं सो so, अब स्टार्ट करते हैं सो so, हमारी जो फर्स्ट नेल आर्ट है वो है हमारे लिटिल फिंगर पर सो so, सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे शेड्स अब यहाँ पर लिटिल फिंगर पर फर्स्टली अप्लाई करूँगी रेड नेल पेंट सो so, आप यहाँ पर अच्छे से आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको अप्लाई करना है यहाँ पर नेल पेंट सिंपली रेड अप्लाई करना है सो इसको ये अच्छे से मैंने अप्लाई कर दिया है सी है सो अब मैं इसको ड्राई होने के लिए थोड़ी से इसको टाइम ले आ, ये लेगा टाइम सो so इतने हम अपनी नेक्स्ट फिंगर नेक्स्ट नेल पर पेंट नेल पेंट लगा लेंगे सो नेक्स्ट शेट मैंने आपको शो कर दिया है एंड यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पेंट कर लूँगी तो मैं इसको अच्छे से अप्लाई करूँगी जैसे मैंने रेड नेल पेंट अच्छे से अप्लाई किया था वैसे ही मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने वाली हूँ सो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ये अच्छे से अप्लाई कर लिया है और थोड़ा सा और मैं इसको फिनिशिंग दे रही हूँ अभी सो हमें अपने सारे नेल शेड्स नेल पेंट अच्छे से अप्लाई करने हैं आप अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने अच्छे से ये लगा लिया है अब मैं अपने रेड जो शेड है उसके रेड नील पेंट के नीचे यहाँ पर ग्रीन लगा रही हूँ हाफ हाफ़ से भी बहुत कम पार्ट में तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने कैसे लगाया ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से लगा लिया ऐसे तो अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हम अपनी रिंग फिंगर का नील को फिनिश करेंगे अब सो तो यहाँ पर हम इसी मैं वाइट लगाऊंगी हाफ पार्ट में हाफ़ से थोड़े कम पार्ट में और ये अभी मैंने सिंगल टाइम अप्लाई किया है और अभी ये ड्राई होने के बाद इसको मैं टू थ्री टाइम्स और अप्लाई कर लूँगी इसे प्रॉपर वाइट कलर यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर अब ये वाला जो लिटिल फिंगर का नेल है ये ड्राई हो गया है अब यहाँ पर मैं ब्लैक नेल पेंट लूँगी और यहाँ पर मैंने एक पेंट ब्रश लिया है सो तो उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर डॉट डॉट बनाऊँगी सो so फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा नेल पेंट का पेंट वो ब्रश होता है उस से मैंने यहाँ पर पेंट ब्रश में ब्लैक कलर ले लिया है एंड उससे यहाँ पर मैं डॉट्स बना रही हूँ यू कैन सी हियर सो दिस विल बी अव वाटर मेलन नेल पेंट डिज़ाइन सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं कैसे डॉट्स बना रही हूँ सो so, डॉट्स हमें बहुत केयरफुल होकर के बनाने होंगे फ्रेंड्स बिकॉज ये ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए सो so, अब यहाँ पर मैं ग्रीन वाले पार्ट में डॉट्स बनाऊँगी सो नाउ इट्स टाइम टू मेक डॉट्स ऑन ग्रीन पार्ट सो यू कैन सी है कि मैं ग्रीन पार्ट पर भी डॉट्स बना रही हूँ सो गाइज ये नेल शेड्स नेल डिज़ाइंस बहुत प्यारे हैं नेल आर्ट बहुत प्यारी है सो so, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारा वाटरमेलन नेल आर्ट डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है यू कैन सी कि इतना प्यारा लग रहा है सो so फ्रेंड्स कहीं कहीं हो सकता है मैं वीडियो में गाइस बोलूं एंड सब टाइटल्स एड कर दूं फ्रेंड्स के सो so गाइस ये अभी सो so फ्रेंड्स ये अभी होगा बिकॉज आई एम नॉट इन हैबिट ऑफ सेइंग फ्रेंड्स सो बट फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस बोलने से डेट्स वाई आई एम सींग फ्रेंड्स नाउ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने वाइट कलर वन टाइम और अप्लाई कर लिया है एंड नाउ आई एम अप्लाइंग रेड नेल पेंट ऑन माई मिडल फिंगर सो इसको भी हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड इसको भी थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगेगा सो हम अपने हैंड फिंगर का नेल पेंट करेंगे सो so यहाँ पर ये वाला शेड देख सकते हो ये लेमन शेड है एंड यहाँ पर मैं इसके वन और टू टाइम्स इसको अप्लाई करूँगी तो ये अच्छे से अप्लाई हो जाएगा ये वाला शेड भी और इसको अच्छे से मैंने यहाँ अप्लाई कर रही हूँ कैन सी एंड नाउ आई विल ड्रॉ मिकी माउस ऑन मिकी माउस हेड ओनली ऑन माई मिडिल फिंगर सो यहाँ पर मैं फर्स्टली एक राउंड बनाऊँगी विद द पेंट ब्रश हेयर यू कैन सी कि राउंड जो है हमारा अच्छे से बन गया है ना इस टाइम इट्स टाइम टू मेक ईयर्स सो यहाँ पर मैंने ईयर्स भी बना दिए छोटी छोटे से राउंड सी बनाने ईयर्स के लिए भी सो so, यहाँ पर हमारा ये वाला मिडिल फिंगर का नेल आर्ट भी रेडी हो गया है सो so, ये भी आप देख सकते हो तो बहुत क्यूट लगे लग रहा है सो so, लास्ट में हम सब नेल पेंट की फिनिशिंग के लिए ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई करेंगे एंड यहाँ पर मैंने ये स्किन वाला शेड लिया है अपने नेक्स्ट नेल आर्ट के लिए कलर को मैं पेंट ब्रश पर लेकर उससे लाइंस बनाऊंगी। दिस विल बी अब पाइन फ्रूट नील आर्ट सो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए हाउ आई एम ड्राइंग द लाइन्स आई एम मेकिंग द लाइन्स सो लाइन्स भी हमें बहुत फिनिशिंग के साथ बनानी होगी तो oh फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने लाइन्स ड्रॉ कर ली हैं एंड अब मैं क्रॉस पैटर्न में ही लाइन ड्रा करूँगी इन वाली लाइंस के क्रॉस पैटर्न में मैं यहाँ पर लाइन्स ड्रा करूँगी बिकॉज पाइन ऐप्पल फूड डिज़ाइन है एज आई हैव टोल्ड यू एंड लेयर वाई सो लाइन्स हमें बहुत फिनिशिंग से बनानी होगी एंड अब पाइन ऐपल के लीव्स के लिए मैंने ये वाला शेड लिया है एंड यहाँ पर अब मैं इसकी लीव्स जो हैं वो बनाऊँगी फ्रेंड्स अब मैंने यहाँ पर पेंट ब्रश में ग्रीन ग्रीन कलर लेकर यहाँ से मैं उस लीव्स बना रही हूँ उस so, लीव्स हमें बहुत केयरफुलनेस तो से बनानी होगी बिकॉज लीव्स ख़राब हो गई तो हमारा पूरा नेल आर्ट खराब हो जाएगा तो so, लीव्स यहाँ पर आप देखिए कि मैं कितने फिनिशिंग से बना रही हूँ सो so, आपको बिल्कुल फिनिशिंग से अच्छे से लीव्स बनानी होगी तो so फ्रेंड्स अब जो हमारे स्पीड है यहाँ पर मैं डॉट्स बना रही हूँ सो so ये बिल्कुल कम्प्लीट पाइनएप्पल लुक आ जाएगा हमारे नेल आर्ट में सो so यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ये वाला नेल आर्ट सो दिस इज़ माय फेवरेट नेल आर्ट इन दिस वीडियो और ये बहुत प्यारा लग रहा है सो नाउ आई विल टेक वाइट कलर फॉर माई थम्ब नेल आर्ट आर्ट तो हम अपने वाइट नेल आर्ट को भी अच्छे वाइट नेल पेंट को भी अच्छे से अप्लाई कर लेंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते तो अप्लाई कर लिया आई थिंक ये कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा होगा बट मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है नाउ जो हमारे रिंग फिंगर वाला नेल है ये ड्रैगन फ्रूट नेल आर्ट है सो so, यहाँ पर मैं वा, वाइट पार्ट पर ब्लैक डॉट्स बना रही हूँ विद द पेंट ब्रश सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कैसे मैं डॉट्स बना रही हूँ सो दिस विल बी अवर ड्रैगन फ्रूट नेल आर्ट। सो फ्रेंड्स यू कैन सी हेयर। एंड यहाँ पर मैं आउटलाइन uh, भी बना दूँगी विद ब्लैक कलर सो ये और अच्छा लगेगा सो नाओ फ्रेंड्स लेट्स डू लास्ट नेल आर्ट ऑफ दिस वीडियो सो यहाँ पर मैं बनाऊँगी कोट वाला डिज़ाइन एक ब्लेजर वाला डिज़ाइन यहाँ ये वाली नेल आर्ट होगी हमारी ब्लेजर वाली नेल आर्ट सो इसके लिए मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने किस वी शेप में लाइंस बनाई हैं एंड कि मैं इनकी आउटलाइनिंग अच्छे से मैं इनकी कर दूँगी एंड नाउ I will fill the black color here. You can see how I am filling. So ये मैंने normal जो हमारा nail paint वाला brush होता है, उसी से fill कर रही हूँ. So ये आपको बहुत carefulness से fill करना होगा, बिल्कुल अच्छे से finishing से fill करना होगा. And now uh, with the paint brush यहाँ पर मैं एक bow बनाऊँगी. यू कैन सी डेट हाउ आई विल मेक बो हेयर सो बो भी हमें बिल्कुल अच्छे से बनाना होगा अगर वो अच्छा नहीं बना तो हमारा नेल आर्ट खराब हो जाएगा हीयर वाला सो so यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैं कैसा वाला नेल आर्ट बना बो कैसा बना रही हूँ कैसे बना रही हूँ एंड नाउ यहाँ पर हम लास्ट थ्री डॉट्स बना देंगे सो हमारा नेल आर्ट कम्प्लीट हो जाएगा तो so फ्रेंड्स हमारे नेल आर्ट हो गया है कंप्लीट फाइव टाइप्स की मैंने आपको नेल आर्ट बताए हैं एंड नाउ यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट नेल पेंट से फिनिशिंग कर दूंगी एंड फिनिशिंग मैंने कर दी है सो हेयर यू कैन सी ऑल अमेजिंग नेल आर्ट्स सो आप यहाँ पर देख सकते हो तो कितने प्रटी ये लग रहे हैं यहाँ पर मैं आपको अच्छे से शो कर रही हूँ सो so, आप देख सकते हो कि पाइन वाला कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सो so, अब दिस पाइनएपल वन इज़ माई फेवरेट ऑफ़ दिस वीडियो सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो नेल आर्ट अच्छी लगी हो सो so वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ अमेजिंग वीडियोज़ एंड फ्रेंड्स हम आप देख सकते हो कि हमारे हैंड में ही कितनी अच्छी लुक आ गई है इन नेल आर्ट नेल आर्ट डिज़ाइन से कितनी अच्छी हमारी लुक आ गई है सो फ्रेंड्स जनरली हम एसरीज पहन के अपने हैंड की लुक हमारी और अच्छी होती है लेकिन पे विदाउट एसेसरी भी आप देख सकते हो हमारी लुक जो है हमारे हैंड की कितनी प्रटी लग रही है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये आर्ट कैसे लगे एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर गेटिंग वैन व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर बाय बाई ब